मेरठ। बात जब विचित्र गाड़ियों की हो या हरिया की लस्सी या फिर भोले की झाल, चाहे बात हो डोसे की या फिर लोकल चाट बाजार की, इन सभी चीजों के बिना मेरठ अधूरा सा लगता है। पर इस लिस्ट को लंबा बनाने का बेड़ा अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उठा लिया है। वर्तमान में योगी सरकार ने मेरठ को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी और अब इस शहर को एक और नई सौगात रैपिड रेल के जरिए मिलने वाली है, जिसकी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। स्वागत है आपका द टेक ऑटो की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम यानी RRTS, जो मेरठ से दिल्ली के बीच देश का पहला रैपिड रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है, जो मेरठ को गाजियाबाद होते हुए दिल्ली से जोड़ेगा। ये पूरा प्रोजेक्ट 82.15 किलोमीटर लंबा है, जिसका 68.3 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड होगा और वहीं 14.12 किलोमीटर हिस्सा अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। आप भी इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को अपना बना लीजिए। दोस्तों, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी NCRTC के मुताबिक 17 किलोमीटर का हिस्सा 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, जबकि पूरा 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर 2025 तक बनके तैयार हो जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली से मेरठ सिर्फ 55 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। दोस्तों, इन कॉरिडोर के बन जाने के बाद इन रैपिड रेल की टॉप स्पीड 180 तक हो जाएगी। 30,000 करोड़ की लागत से बन रही ये रैपिड रेल दिल्ली से मोदी नगर तक वैसे तो 2025 तक बनकर तैयार हो पाएगी, मगर दुहाई से साहिबाबाद तक 17 किलोमीटर वाले रूट को 2023 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। इन दिनों दिल्ली से होते हुए मेरठ तक जाने वाली इस कॉरिडोर को बहुत तेजी से बनाया जा रहा है। आप भी इतनी ही तेजी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस रैपिड रेल के बन जाने के बाद मेरठ वालों को ट्रैफिक और पॉल्यूशन से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, ये कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी के सबसे घनी आबादी वाले हिस्सों से गुजरते हुए दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है।